सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आप सभी का डिफेंस ज्ञान सीरीज के फ्रेश एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम आपको डीआरडीओ के चार ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे जिन्हें काफी सीक्रेट तरीके से अंजाम दिया गया था, और जब इन प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा था तो कुछ ही चुनिंदा लोग थे जिन्हें इनके बारे में पता था। तो चलिए जानते हैं कि वो चार खास प्रोजेक्ट्स कौन से थे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। मिशन शक्ति के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, वही मिशन जिसके तहत 27 मार्च 2019 को भारत ने सफलतापूर्वक अपने एंटी सैटेलाइट वेपन का परीक्षण किया था। और इस परीक्षण के बाद भारत दुनिया के उन एलीट कंट्रीज के क्लब में शामिल हुआ जिनके पास एंटी सैटेलाइट वेपन को विकसित करने की कैपेबिलिटी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मिशन शक्ति की सीक्रेसी को बनाए रखने के लिए डीआरडीओ ने एक तरह के धोखे का इस्तेमाल किया था? और जबकि डीआरडीओ के ही साइंटिस्ट डॉक्टर यू राजा बाबू ने इस बारे में बताया था कि जो ये मिशन शक्ति था जिसके तहत 27 मार्च 2019 को एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट की गई थी, तो इस टेस्ट से पहले मिशन शक्ति के बारे में केवल 30 से 40 लोग ही जानते थे। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब इस एंटी सैटेलाइट वेपन पर काम शुरू हुआ था तो इसमें 150 से भी अधिक साइंटिस्ट शामिल थे, लेकिन उनमें से कुछ ही साइंटिस्ट जानते थे कि एक्चुअल में वे किस चीज पर काम कर रहे हैं। और जबकि शुरू के पहले 2 महीने में तो केवल 3 ही लोगों को इसकी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी, और फिर 6 महीने बाद करीब 10 लोगों को इसके बारे में जानकारी दी गई, और फिर धीरे धीरे जब तक ये मिशन लॉन्च नहीं हुआ तब तक केवल 30 से 40 लोग ही जान पाए थे कि एक्चुअल में हम क्या बना रहे हैं। और शुरू में इस प्रोजेक्ट का कोड नेम रखा गया था प्रोजेक्ट XSV-1। और जो टीम इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी उनमें से जिनको नहीं पता था कि एक्चुअल में क्या है, उनको बस यही लगता था कि वे बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के किसी एक अन्य अपग्रेड पर काम कर रहे हैं। और टॉप अथॉरिटीज की तरफ से डीआरडीओ को कड़े निर्देश दिए गए थे कि इस प्रोजेक्ट के बारे में बिल्कुल भी जानकारी किसी भी पॉइंट से पब्लिक डोमेन में सामने नहीं आनी चाहिए। और एक कारण ये भी था कि सभी साइंटिस्ट को इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई थी। और जब बाद में पूरा प्रोजेक्ट पूरा हुआ और वो दिन आया जिस दिन इस मिसाइल को टेस्ट किया जाना था, तो इस टेस्ट के बाद ही सभी लोगों को मालूम पड़ा था कि भारत ने एक एंटी सैटेलाइट वेपन को विकसित कर लिया है। और इस मिशन शक्ति से जुड़े ऑफिसर्स ने इस बारे में बताया कि जब इस मिसाइल को लॉन्च किया जाना था तो उससे पहले एक मीटिंग कंडक्ट हुई थी, और उस मीटिंग में डीआरडीओ ने इस एंटी सैटेलाइट वेपन के बारे में पीएम नरेंद्र मोदी को एक पूरा डिटेल प्रेजेंटेशन दिया था, और उस मीटिंग में एनएसए अजीत डोवाल भी मौजूद थे। इसी तरह इस लिस्ट में डीआरडीओ का दूसरा सीक्रेट प्रोजेक्ट है भारत का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम, और या फिर यूं कहें एंटी बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी। क्या आप जानते हैं कि भारत का जो ये बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम है ये एक्चुअल में 1995 से ही शुरू कर दिया गया था, क्योंकि उसमें भारत ने ऑब्जर्व किया था कि जो हमारा निकम्मा पड़ोसी है यानी कि पाकिस्तान, वो चीन से M9 और M11 जैसी बैलिस्टिक मिसाइल्स को ले रहा है। हालांकि उस समय तक भारत के पास खुद का एक न्यूक्लियर डिटरेंस सिस्टम आ चुका था जिसमें पृथ्वी मिसाइल तैयार थी और जो अग्नि मिसाइल थी उनके टेस्ट चल रहे थे। और फिर 1996 में भारतीय रक्षा मंत्रालय ने उस समय के साइंटिफिक एडवाइजर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर से पूछा कि क्या भारत पाकिस्तान की तरफ से आने वाले किसी इनकमिंग बैलिस्टिक मिसाइल के थ्रेट से निपटने के लिए तेजी से कोई प्रोटेक्शन सिस्टम को विकसित कर सकता है। और उस समय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर ऑलरेडी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को भी देख रहे थे। और फिर रक्षा मंत्रालय के सवाल के बाद फिर उन्होंने तुरंत ही एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की फिजिबिलिटी स्टडी को स्टार्ट कर दिया। लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम है इस पर जो स्टडी चल रही थी वो काफी चुपचाप तरीके से चल रही थी। और शुरू में इस प्रोग्राम को डीआरडीओ को जो दिक्कत आ रही थी वो थी रडार की, क्योंकि उस समय भारत के पास ज्यादा लंबी दूरी की रडार नहीं थी, और जो रडार मौजूद थी वो भी मैक्सिमम 60 किलोमीटर तक की रेंज के साथ थी। लेकिन उस समय इतना समय भी नहीं था कि डीआरडीओ जीरो से एक लॉन्ग रेंज की रडार को डेवलप करे, तो फिर इसके बाद जो ऑप्शन बचा था वो था फॉरेन कॉलिब्रेशन, यानी कि किसी बाहर की कंपनी के साथ कॉलिब्रेट करके रडार को डेवलप किया जाए। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर ने अपने वन ऑफ द टॉप साइंटिस्ट डॉक्टर VK सरस्वत को इंचार्ज दिया कि वे दूसरी कंट्रीज को अप्रोच करें इस रडार को डेवलप करने के लिए। पहले बात हुई रशिया से, लेकिन रशिया के साथ R&D वाली चीज सही से नहीं बैठ रही थी। फिर कंसीडर किया गया इसराइल के एंटी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम Arrow-1 को, लेकिन इसके साथ दिक्कत ये थी कि जो उसकी ग्रीन पाइन रडार थी वो US टेक्नोलॉजी के साथ थी, और ये तो आप जानते ही हैं कि उस समय अमेरिका भारत को किस तरीके से ट्रीट करता था। लेकिन हाँ, इसराइल ने भारत के साथ मिलकर एक लॉन्ग रेंज की ट्रैकिंग रडार जो कि बिल्कुल न्यू होने वाली थी उस पर काम करने के लिए सहमति दे दी थी। और फिर इस तरह धीरे धीरे रडार भी डेवलप हुई, सब कुछ डेवलप हुआ, और जब 27 नवंबर 2006 को इस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम की पहली मिसाइल लॉन्च की गई
तो वो हर किसी के लिए एक सरप्राइज था, क्योंकि हर किसी को मालूम नहीं था कि भारत इस तरह का कोई सिस्टम विकसित कर रहा है। और फिर उसके एक साल बाद 6 दिसंबर 2007 को भारत ने इस डिफेंस प्रोग्राम का एक और दूसरा सफल परीक्षण किया, और इस टेक्नोलॉजी के साथ भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हुआ जिनके पास एंटी बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी है। इसके बाद इस लिस्ट में तीसरा प्रोजेक्ट है भारत का न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम। और आपको ये भी बता दें कि इसे भारत के वन ऑफ दी सीक्रेट प्रोजेक्ट के साथ साथ कॉस्टलीएस्ट यानी कि सबसे महंगे डिफेंस प्रोजेक्ट में भी एक माना जाता है, जिसमें भारत न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को विकसित कर रहा है और जिसके तहत ऑलरेडी एक सबमरीन INS अरिहंत लॉन्च होके इंडियन नेवी की सर्विस में कमीशन भी हो चुकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब INS अरिहंत को लॉन्च किया गया था तो इसकी कोई हाई प्रोफाइल पब्लिक सेरेमनी नहीं हुई थी, और कुछ ही को पता था कि भारत एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को लॉन्च कर चुका है। बल्कि जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इंडियन नेवी चीफ एडमिरल सुनील लांबा से इस न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन प्रोजेक्ट के बारे में सवाल पूछा गया था तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि ये एक क्लासिफाइड प्रोजेक्ट है और वे इस पर कोई भी कमेंट नहीं करना चाहते हैं। और हाँ, इस प्रोजेक्ट के तहत S5 नाम से एक अलग से न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को भी विकसित किया जाएगा, जिनको लेकर कहा गया है कि वजन के मामले में ये अरिहंत क्लास सबमरीन की तुलना में डबल होंगी। और आपको ये भी बता दें कि ये सभी सबमरीन ATV प्रोजेक्ट यानी कि एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट के तहत बनाई जा रही है। इसके बाद इस लिस्ट में चौथा प्रोजेक्ट है घातक UCAV। हालांकि अब जाकर इस घातक UCAV प्रोग्राम की कुछ तस्वीरें सामने आ चुकी हैं और हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में हमें इसका प्रोटोटाइप देखने को भी मिल जाए, लेकिन अभी भी ये DRDO के उस सीक्रेट प्रोजेक्ट में आता है जिसकी एक्चुअल डिटेल्स अभी भी जारी नहीं हुई हैं। हाँ, लेकिन इस प्रोजेक्ट को लेकर ये जरूर कहा गया है कि इसके अंदर कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज होंगी जो अभी तक किसी और ने डेवलप नहीं करी है। तो ये थे वो 4 सीक्रेट प्रोजेक्ट जिनकी सीक्रेसी को मेंटेन रखने के लिए इनके बारे में हर किसी को नहीं बताया गया था। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही, और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो इसे लाइक करे बिना कहीं ना जाएं। बाकी इस एपिसोड को लेकर आप अपने सजेशंस और क्वेरीज कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, और अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।